अस्सलाम वालेकुम जी। तो ए जी आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। तो आज हम निकलेंगे कोई बंद कवाब है कोई ओल्ड नेशनल हाईवे पे, तो वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो बंद कवाब बनाते हैं और वो बहुत ही मशहूर हैं। तो मैंने कहा वो भी आपको दिखाएंगे, और वो बंद कवाब में कुछ एडिशन भी करते हैं, जैसे आमलेट अंडा भी डालते हैं, तो और भी वो उसका जायका कुछ बेहतरीन हो जाता है। तो मैंने कहा कि नई नई चीज़ें आपका भाई आपको दिखाता रहता है, तो वो आपको दिखाएंगे और उसका जायका आपको बताएंगे और बनते हुए भी दिखाएंगे। तो आइए वहाँ पे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं जो जो वो बनाते हैं, और वो जो मसाले वगैरह और जो जो वो डालते हैं वो भी दिखाएंगे आपको। तो आइए वहाँ पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये हम आमिर भाई के पास पहुँचे हुए हैं, वो उनका कोई मशहूर बन कबाब है और साथ में वो आमलेट भी डालते हैं, तो मैंने कहा आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये अभी देख सकते हैं आप, ये फ्रेश पक रहा है और साथ में शामी भी पक रही है, और मैंने भाई को अंडा बोला हुआ है वो भी वो पका रहे हैं अभी, वो बन भी उन्होंने काट लिया है। तो ये अभी फ्रेश बन रहा है बहुत ही, और ये बहुत डिलीशियस बनाते हैं, और ये अभी बन को भी गर्म कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ये। तो ये अभी शामी बन में डाल रहे हैं और साथ में उन्होंने कुछ अभी वंकियाँ वो उन्होंने डाली हुई हैं, और साथ में कुछ उन्होंने बंद गोभी डाली है, और प्याज भी वो डाल रहे हैं, और इमली की चटनी डाल रहे हैं, और टमेटो की भी चटनी डल रही है वहाँ पे, और साथ में उन्होंने अंडा भी अभी पका लिया है, वो पक चुका है वो भी आप देख सकते हैं, और वो फूल रहा है अंडा भी, और ये बहुत ही डिलीशियस है और ये बेहतरीन किस्म का जायका बनाते हैं, ये बहुत मशहूर हैं इनमें बन कबाब में। तो मैंने कहा आपका भाई आपको नई नई चीज़ें दिखाता रहता है। अभी आप देख सकते हैं ये अंडा एक साइड पक चुकी है और ये अभी पूरा पक चुका है, बन में उन्होंने डाल दिया है और ये कुछ अभी पका रहे हैं बन को, अभी बहुत ही वो गर्म करके वो तेल में। तो ये भी पक चुका है, तो अभी वो इसको काटेंगे, तो वो अभी तीन टुकड़ों में उन्होंने काट लिया है उसको बन को भी। तो ये बहुत ही डिलीशियस होता है, मैं आपको रिव्यू भी दूंगा, तो आगे जाके आपको रिव्यू भी दूंगा। और ये शॉप का नाम है और ये आप शॉप देख सकते हैं, ये उनकी शॉप है कोई भाई की। तो मैं अभी ओल्ड नेशनल हाईवे पे मौजूद हूँ और मैं कुछ बता रहा हूँ अभी के ये शाम का टाइम है, 6:45 हो चुके हैं शाम के। तो अभी कुछ वेदर भी अच्छा है, वैसे धूप नहीं है, कुछ बादल भी आसमान पे आप देख सकते हैं सामने, और बहुत ही मौसम में बहुत ही शाम का वक्त है और वेदर बहुत अच्छा है, अभी कुछ हवा चल रही है और ये पैदल घूमने का मज़ा ही कुछ और है। तो आपका भाई पैदल घूमता रहता है तो आपको तो पता है ये आपका भाई बहुत ही घूमता है पैदल। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आमिर भाई का ये बन कबाब विथ आमलेट ये आ चुका है, ये आपको दिखाएंगे। ये देखें आप बन कबाब के आलू की शामी डाली हुई है और आमलेट अंडा और इन्होंने पकाया हुआ है बहुत बेहतरीन, और ये साथ में इन्होंने चटनी दी हुई है, कोई ये इमली डाली हुई है कुछ यहाँ पे, वो साबित मिर्ची भी डली हुई है, और ये बहुत ही डिलीशियस है। और ये मैंने कहा आपको दिखाएं, ये मशहूर है यहाँ का आमिर का बन कबाब विथ आमलेट अंडा, ये देखें ये बहुत ही डिलीशियस है, और ये हम ट्राई करेंगे फिर आपको रिव्यू भी देंगे, और ये आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये आमिर का बन कबाब आ चुका है और इसमें साथ में मैंने अंडा भी डलवाया था, वो इनका मशहूर है, तो ये ट्राई करेंगे फिर आपको रिव्यू देंगे। ओए 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 क्या ही बात है, इसमें तो ये अंडा इतना मज़ा करवा रहा है, मुंह में पानी आ चुका है मेरे में, और ये बहुत ही बेहतरीन है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस है ये, क्या बात है, अंडा है और इसका ये साथ में ये बड़ा मज़ा करवा रहा है, और ये शामी कबाब है जो आलू का,
और साथ में इन्होंने चटनी मिलाई हुई है अंदर इसकी, तो भाई क्या बात है, ये बहुत ही डिलीशियस है। मैंने कहा आपको ये रिव्यू देंगे, और ये आपका भाई आपको नई नई चीज़ें दिखाता रहता है, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आप भी ट्राई करें।